Hi friends, welcome to our YouTube channel Naina Savla. Subscribe us for more such videos. So again, today we have a uneven and pigmented skin. So after moisturizer and primer, ab hum base kar rahe hain. Base mein sabse pehle humne use kiya hai UV, jisse ke sare jo bhi pigments wagera hai ya un sab ko cover karke ek mild layer banaya hai. Iske baad aaj yahan pe hum log use karne wale TV paint stick. Kryloan ka TV paint stick according to skin tone humne use kiya hai aur use blend kiya hai. Now we are using one more layer with 303, that is yellowish color Kryloan. Again wo color se pura ek layer banaya hai. This technique is because ke jo unka skin hai us pe kafi smoothness lane ke liye. After that jo bhi contouring hai wo kiya gaya hai TV paint stick Kryloan shade hai negro 2 ng2. Isse sare jo bhi nose lines hai, forehead contour hai, jaw contour hai, cheekbone contour hai, ye sare contours hum karke ise blend karenge. Aur sath hi ye video mein jaise ki hum dekh sakte hain ki model ka face, the front features kafi flat hai, to kaise uske cheekbones ko uthana aur zyada jo flatness hai usko kaise hum log overcome karenge, hum log ye bhi dekhenge aage. सारे कॉन्टोर्स को अच्छे से ब्लेंड करिए. अभी यहाँ पे हाइलाइटिंग हो रहा है, दैट इज लाइटर शेड, फेयरर शेड लेके जो नोज ब्रिज है, सेंटर ऑफ द फोरहेड है, आंखों के नीचे हमने ट्राइंगल टेक्निक यूज़ किया है हाईलाइट के लिए, लिटिल ऑन द क्यूपिड बोन एंड चिन एरिया. तो इसको लगाने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे. जैसे कि उनका फेस बहुत फ्लैट है तो इसके लिए हमने और भी लाइटर शेड लेके आंखों के नीचे किया है स्पॉट हाइलाइटिंग और उसे ब्लेंड करेंगे. ये सेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैट हाइलाइटर. ऑल ओवर द फेस अच्छे से बेस को सेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, जो चीक का कॉन्टोर है उसे हम लोग मैट कॉन्टोर कलर से सेट करेंगे सारे कॉन्टोर्स को एक्चुअली. आफ्टर दैट चीक बोन हम लोग को चीक्स उभर के दिखे ऐसा बनाना है, इसके लिए हम लोग फ्रंट टू बैक डायरेक्शन में जाएंगे. जैसे कि हमने हाई कवरेज किया है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि काजल, तो सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी काजल देंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे. आई मेकअप में हमने गोल्डन, ब्लैक और ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है. आफ्टर दैट आईब्रो डेफिनेशन एंड मस्करा से आई मेकअप को कम्प्लीट किया है. कमिंग टू द हेयर स्टाइल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा था कि मॉडल के हेयर कर्ली थे, तो कर्ली और फ्रीजीनेस को दूर करने के लिए हमने पहले अच्छे से उसको आयन कर लिया है. इसके बाद बैक में हमने बन बनाया है विद द टेक्निक एज यू कैन सी. फ्रंट में हमने क्राउन सेक्शन निकाला है, यहाँ पे हम एक यू सेक्शन लेके हल्का सा पफ करेंगे. नीटली पफ को इतने हेयर को हम लोग पैक करेंगे. फ्रंट जैसे कि आप मिरर में देख सकते हो, फ्रंट को जैसे हम लोग टिपिकली फ्लैट करते हैं तो वैसे फ्लैट स्लीक लुक देंगे एज यू कैन सी इन द मिरर नाउ. और इसके बाद जो बन के हमारे रिमेनिंग हेयर है, बिकॉज यहाँ पे हेयर लॉन्ग है और जो पफ के हेयर है वो भी बन पे एक फिनिशिंग लेयर सा बन रहा है, और सारे हेयर को यहाँ पे टक करने के बाद जो रिमेनिंग हेयर है इसको हम लोग एक ब्रेड बनाएंगे, एक सादा चोटी बनाएंगे और उसको बन के सराउंडिंग घुमा देंगे. सो अकॉर्डिंग टू जो हमारा हेयर स्ट्रक्चर है वो हिसाब से हम लोग ने हेयर स्टाइल को प्लान किया है. और साथ ही जो एक्सेसरी डालना है, यानी कि जो फ्लावर्स वगैरह हमने डालना है, उसके लिए हमने बहुत अच्छे से उसका गैप अकॉर्डिंगली अरेंज किया है. तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यहाँ पे अपना फ्लोरल एक्सेसरीज आएगा लाइक दिस. हम इसे पिन से सिक्योर कर रहे हैं. सो दिस इज द कंप्लीट लुक. सब्सक्राइब करें और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोस के लिए. बेल बटन को क्लिक करो ताकि जब भी न्यू वीडियोस है यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक,
सभी कुछ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय.